एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोग के पास और इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एक क्लास टेस्ट हो रहा है और उसमें एक सही जवाब के लिए, प्रत्येक सही जवाब के लिए 3 नंबर मिलता है, +3 मतलब 3 नंबर मिलता है एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और प्रत्येक गलत जवाब के लिए -2 नंबर मिलता है, मतलब 2 नंबर कट जाता है एंड 9 मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चंस, और जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं मतलब नहीं बनाते हैं तो उसमें कोई भी नंबर नहीं मिलता है, 0 नंबर रहता है। फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे बतला रहा है कि राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स, राधिका 20 नंबर लेके आती है। इफ़ सी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर, अगर वो 12 सही आंसर देती है, 12 क्वेश्चन का सही जवाब देती है, हाउ मेनी क्वेश्चन हैज़ सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो फिर वह कितने क्वेश्चन का गलत जवाब देती है। तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन का वो गलत जवाब देती है, इनकरेक्ट आंसर देती है, उसको निकालना है। और यहाँ पे आगे भी इसका पार्ट है तो हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे लगभग मैंने जो इसमें लिखना है उसको कुछ लिख के रखा है, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा लिखना है और इसमें थोड़ा सा लंबा होगा, अलग अलग पार्ट का है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले बनाने के पहले जो है यहाँ पे जो चीज़ें हम लोग को दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। गिवन में मार्क्स ऑन एवरी करेक्ट आंसर, प्रत्येक सही जवाब के लिए कितना नंबर मिलता है इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को मिलता है प्रत्येक सही जवाब के लिए 3 नंबर मिलता है, तो वहाँ प्लस में दिया हुआ है, आप सिंपली 3 नंबर लिखते हैं, 3 मार्क्स, ठीक है। प्रत्येक सही जवाब के लिए 3 मार्क्स हो गया। प्रत्येक गलत जवाब के लिए कितना नंबर मिलता है, तो -2 मतलब 2 मार्क्स जो है वो कट जाता है, तो यहाँ पे 2 मार्क्स लिख देते हैं। और इसके आगे अब यहाँ से गिवन जो हम लोग को दिया हुआ है वो हम लोग लिख लिए। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का जो है यहाँ सॉल्यूशन है दिया हुआ है, राधिका कितना स्कोर करती है, तो राधिका 20 स्कोर करती है, तो यहाँ पे 20 मार्क्स करती है, तो इसको लिख लेते हैं पहले। उसके बाद सी गॉट मार्क्स फ्रॉम 12 करेक्ट आंसर, 12 क्वेश्चन का सही जवाब देती है, तो एक सही जवाब के लिए कितना नंबर मिल रहा है, 3 मार्क्स मिल रहा है, तो 12 सही जवाब के लिए कितना नंबर मिलेगा, तो 12 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 3 हो गया, तो कितना हो गया, 12 × 3 = 36, 36 हुआ, तो वो 36 मार्क्स लेके आती है। 12 सही जवाब का उसको 36 मार्क्स मिलता है। अब सी गॉट मार्क्स फ्रॉम इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर कितना है उसको तो पता नहीं है, उसको निकालना है, तो उसमें से कितना मार्क्स लेके आए, तो वो टोटल जो उसको मिला हुआ है 20 मार्क्स फाइनल मार्क्स जो है, और वो सही जवाब का टोटल मार्क्स उठाई थी 36, उसमें से कुछ माइनस हो गया, तो कितना माइनस हो गया, तो इसमें से जो है 36 में से 20 जो है माइनस हो जाएगा, तो इंटीजर्स में है तो इसलिए ये पहले जो है 20 हम लोग रखेंगे, 20 और उसके बाद 36 माइनस हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ गया, तो यहाँ पे 36 20 मतलब 16 हो गया, तो 16 जो है माइनस में आएगा, 16 नेगेटिव मार्क्स लेके आई, गलत जवाब दी उससे जो है उसको 16 मार्क्स मिला, तो एक गलत जवाब के लिए उसको -2 मार्क्स मिलता है, तो 16 मार्क्स के लिए कितना क्वेश्चन हुआ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन, तो फिर वो टोटल कितने क्वेश्चन का गलत जवाब दी, तो यहाँ पे 16 और प्रत्येक गलत जवाब के लिए जो नंबर कटता है उसको हम इसके साथ डिवाइड कर देते हैं, -2, तो माइनस माइनस तो कट गया, ये खत्म हो गया, और 2 × 8 = 16 हो गया, 8 बार में ये कट गया, इक्वल टू कितना हो गया, 8 क्वेश्चंस, मतलब वो 8 क्वेश्चन का गलत जवाब दिया, आंसर जो है 8 क्वेश्चन हो जाएगा, 8 क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया। अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट है और इसमें क्या कह रहा है, मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट, मोहिनी इस टेस्ट में -5 मार्क्स लाई है, थ्रू सी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर, 7 सही जवाब देकर वो -5 मार्क्स लेके आई है, हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो फिर कितने क्वेश्चन का वो गलत जवाब दी है, कितना क्वेश्चन जो है वो गलत आंसर किया है, तो इसमें भी उसी तरह का निकालना है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पार्ट टू जो है यहाँ पे मैंने लिख कर रखा है, तो मोहिनी स्कोर्ड, तो मोहिनी कितना स्कोर करती है, -5, ये फाइनल मार्क्स है वो इतना लेके आई है, -5 मार्क्स, ठीक है। सी गॉट मार्क्स फ्रॉम 7 करेक्ट आंसर, 7 सही जवाब का आंसर का कितना नंबर उसको मिला, तो 7 करेक्ट जवाब के लिए कितना मार्क्स हो जाएगा, 7 सही जवाब, और एक जवाब के लिए कितना मिलता है, 3 मार्क्स, इक्वल टू कितना हो गया, 7 × 3 = 21,
इतना मार्क्स वो टोटल लेके आई, लेकिन इनकरेक्ट जवाब होने के कारण उसका मार्क्स जो है फाइनली -5 हो गया। कितने क्वेश्चन का वो गलत जवाब दी, तो फाइनली क्या हो जाएगा, इससे जो है ये माइनस हो जाएगा, तो -5 -21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 21 और 5 जुड़ जाएगा, लेकिन साइन जो है माइनस ही रहेगा क्योंकि वो नेगेटिव नंबर लेके आई इसमें, तो ये 26 हो गया। तो टोटल जो है नेगेटिव नंबर लेके आई, इनकरेक्ट जवाब से मार्क्स लेके आई -26। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन, तो कितने क्वेश्चन का वो गलत जवाब दी, तो ये जो नंबर लेके आई है इसको हम जो है प्रत्येक इनकरेक्ट जवाब के लिए -2 नंबर मिलता है, तो इसको -2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो माइनस माइनस तो कट गया और 2 13 जा होता है 13 2 13 जा तो 13 2 जा 26 हो गया, तो ये जो है 13 हो गया, 13 क्वेश्चंस जो है वो गलत जवाब दी है, वो 13 क्वेश्चन का गलत जवाब दिया है, और यही जो है पार्ट 2 का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ये थर्ड पार्ट है, और इसमें क्या कह रहा है, राकेश स्कोर्ड 18 मार्क्स बाय अटेम्प्टिंग 60 क्वेश्चन। राकेश 60 क्वेश्चन का जवाब देकर 18 मार्क्स प्राप्त करता है। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज ही अटेम्प्टेड करेक्टली एंड हाउ मेनी हैज ही अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वह कितने क्वेश्चन का सही जवाब देता है और कितने क्वेश्चन का गलत जवाब देता है। तो ये दोनों नंबर्स निकालना है, जो सही जवाब दिया जा रहा है उसका क्वेश्चन का नंबर और जो गलत जवाब दिया जा रहा है उस क्वेश्चन का नंबर। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिख लेना है कि राकेश स्कोर्ड, राकेश कितना नंबर प्राप्त करता है, 18 मार्क्स हो गया, तो टोटल नंबर्स वो 18 मार्क्स प्राप्त करता है, और वो टोटल कितने क्वेश्चन का जवाब देता है, ही अटेम्प्टेड टोटल क्वेश्चन, वो कितने क्वेश्चन का जवाब देता है, 16 क्वेश्चन का वो जवाब देता है, इतना क्वेश्चन का जवाब देकर वो इतना मार्क्स प्राप्त करता है। तो कितने सही क्वेश्चन का जवाब देता है और कितने क्वेश्चन का गलत जवाब देता है, तो यहाँ पे सपोज हम लोग मान लेते हैं, लेट द करेक्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन, सही क्वेश्चन का जो जवाब देता है उसको एक्स मान लेते हैं, यहाँ पे एक्स हो गया, और जो गलत क्वेश्चन का जवाब देता है, इनकरेक्ट क्वेश्चन का जो जवाब देता है वो हो गया, तो टोटल में से एक्स माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा 16 माइनस एक्स, ये गलत क्वेश्चन का नंबर हो गया और ये सही क्वेश्चन का नंबर हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार। तो हम लोग यहाँ पे टोटल जो मार्क्स होता है वो करेक्ट क्वेश्चन का जवाब जो है और इनकरेक्ट क्वेश्चन का जवाब दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, तो टोटल मार्क्स जो प्राप्त होता है वो मिल जाता है। तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन, जो करेक्ट क्वेश्चन का जवाब दिया गया है उसका नंबर एक्स है, और एक सही जवाब के लिए उसको 3 मार्क्स मिलता है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये प्लस हो गया, और गलत क्वेश्चन का नंबर जो है 16 माइनस एक्स, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए -2 मार्क्स मिलता है, तो इसको माइनस में लेते हैं, और यहाँ पे दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 18। तो यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3x हो गया प्लस, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा 16 2 जा 32, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, -32 हो गया, और यहाँ पे 2 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 2x प्लस 2x, तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं, इक्वल टू 18 हो गया। तो यहाँ पे आगे में प्लस है तो इसको करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3x -32, तो -32 ये जो है प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 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 ही रहेगा, इक्वल टू 18 हो गया, और यहाँ पे जो प्लस प्लस है वो जुड़ जाएगा, 5x -32 रह जाएगा, ये इक्वल टू 18 हो गया। अब 5x इक्वल टू 18 ये इधर शिफ्ट हो जाएगा प्लस में 32, तो 5x कितना हो गया 50, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 50 आएगा, और अब x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू 50/5, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 10 बार में कट गया, तो करेक्ट क्वेश्चन का नंबर हो जाएगा 10, x इक्वल टू 10 आ गया इसीलिए, और x जो था वो करेक्ट क्वेश्चन का नंबर था, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन 10 हो गया, और इनकरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आया था 16 माइनस एक्स, तो 16 और x के जगह पे 10 है, तो 16 में से x माइनस हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 6, तो करेक्ट क्वेश्चन का नंबर 10, इनकरेक्ट क्वेश्चन का नंबर 6, तो ये दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे पार्ट थर्ड भी समाप्त हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं।